गांधी प्रधानमंत्री आवास का लाभुक सुनील राम ने थाना में आवेदन देकर सीएसपी संचालक के विरुद्ध केस दर्ज करने का आग्रह किया है। सीएसपी संचालक छोटेलाल विश्वकर्मा के द्वारा मेरे खाते में अवैध रूप से 85,000 की निकासी कर लिया गया है, जो राशि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए दूसरा किस्त आया हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सीएसपी संचालक छोटेलाल विश्वकर्ण ने मेरे खाते से 40,000 राशि अंगूठा लगाकर राशि का निकासी कर लिया था, जिसकी शिकायत करने पर एक वर्ष के बाद छोटे मोटे रकम दिया, तब जाकर प्रधानमंत्री आवास का कार्य किया। सुनील राम ने बताया कि मैं एसबीआई में खाता खोलवाने गया था, सीएसपी संचालक ने अपना अंगूठा लगाकर खाता खोल लिया और जब भी पैसा आता है तब वह मुझे बिना सूचना के पैसा का निकासी कर लेता है। उन्होंने बताया कि सीएसपी संचालक के द्वारा जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास बनाने में कठिनाई हो रही है, उन्होंने थाना को आवेदन देकर 85,000 रुपए लौटवाते हुए कार्रवाई की मांग किया है। घर छुपा है सर, जो मेरा कॉलोनी था 40,000 आया, तो मैं दौड़ते दौड़ते एक साल के बाद उसी का खाता में जो है पैसा, उसी का कंप्यूटर उठाया, बाकी कोई बैंक नहीं उठाया, ना टाइम स्लिप उठाया ना भनात उठाया। इसके बाद वो एक साल के बाद मेरे को पैसा दिया 40,000। इसके बाद हम काम कराए, इसके बाद स्वयं सेवक आया, अपना वो फोटो किया तो 85,000 डाला और फिर भी अभी दौड़ा रहा। पैसा का निकासी हो गया? पैसा का वो जो है कि बोला कि अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाए तो बोला कि हम आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, फलना कर रहे हैं, और इसके बाद पैसा जा रहे हैं, तो पैसा स्टॉप कर दिया खाता।